तो ये मैंने एक डाटा पहले से बना रखा है, इसी में हम हमारे फॉर्मूले आगे बढ़ाएंगे। तो हम बात कर रहे थे सम इफ और सम इफ्स की कल, तो एक मर्तबा उसको भी हम देख लेंगे सम इफ्स को। और अब मैंने थोड़ा डाटा बदल दिया है, पहले कुछ और था और अब हम डाटा बदल के उसको समझने की कोशिश करेंगे बेसिक। एक तो है सम इफ और दूसरा हम सम इफ्स, इन दोनों चीजों को हम समझेंगे इंशाल्लाह और अच्छे से। तो ये डाटा, ये फर्जी डाटा है सबके सब। यहाँ पे ये लास्ट नेम, हालांकि फर्स्ट नेम होना चाहिए था, तो फर्स्ट नेम नहीं है क्या इसमें? हाँ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके बाद जेंडर है, फिर आगे फोन नंबर है। ये तमाम तमाम के तमाम फर्जी फोन नंबर है। एजुकेशन है ना, ऑक्यूपेशन यानी काम क्या करते हैं, ये ड्राइवर है, इलेक्ट्रॉनिक है। और उसके बाद है सैलरी, तनख्वाह कितनी है, और ये शादीशुदा है या सिंगल है, ये उसका स्टेटस है ना, यहाँ पर चीज़ें। तो एक फर्जी डाटा है, और ये फर्जी डाटा मैंने यूँ कहें कि इससे पहले मुझको ये खुद मालूम नहीं था कि फर्जी डाटा हम कैसे लेते हैं। तो एक नई चीज़ मालूम हुई आज, एक वीडियो देख रहा था मैं, तो उसकी एक वेबसाइट है जहाँ से आप ये फर्जी डाटा बना सकते हैं, है ना। जैसे जैसे काम करते हैं तो आपको पता लगता है, तो एक वेबसाइट है जहाँ से आप ये फर्जी डाटा बना सकते हैं, और वहीं से मैंने ये कॉपी किया। चलो मैं फायदे के लिए बता देता हूँ, तो वही रैंडम वाला फार्मूला RAN और उसके बाद डेट, ये डेट.कॉम, ये गालिबन, हाँ रैन डेट, एंटर कर देंगे आप तो ये यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने ही वो चीज़ आ जाएगी, रैंडम डाटा जनरेटर। एक्सेल के लिए ये रैंडम डाटा हमको जनरेट करके देता है। यहाँ पे आपके सामने वो फील्ड दिखाई जाएगी जो आप आपके डाटा में लेना चाहते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है बार बार डाटा की, जैसा कि इससे पहले आपने देखा होगा हम लोग डाटा बना रहे थे तो उसमें कुछ ना कुछ वक्त लग रहा था, तो ये मैं उसी की तलाश में था कि जल्दी से क्या हो। तो यहाँ से आप जिन जिन चीज़ों पर टिक लगाएंगे तो वो आपके डाटा में यहाँ पे जमा होती जाएगी, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर एज ईमेल फ़ोन नंबर एजुकेशन ऑक्यूपेशन एक्सपीरियंस सैलरी है ना मेरिट स्टेटस नंबर ऑफ चिल्ड्रन कस्टम कॉलम और बहुत सारी चीज़ें। तो जिस पे आप चेक लगाएंगे वो चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पे ये ऊपर के दो चेक हैं, जेंडर पे लगा दिया हमने, एज पे छोड़ देते हैं, ईमेल पे लगा दिया, फ़ोन नंबर, मान लो हमको इतना ही डाटा चाहिए। और उसके बाद आपको ये डाटा कितना चाहिए, रिकॉर्ड कितने हो, एक तालिब इल्म का हो, दो का हो, तीन का हो, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ रोज़ यहाँ से सिलेक्ट करना है। मान लो मैं यहाँ से डाल देता हूँ 20, और उसके बाद आपको ये इस तरफ जनरेट यहाँ पे है ना, ये जनरेट पे आपको करना है क्लिक। तो देखो यहाँ पर ये जो बीच में है यहाँ पे आपको वो डाटा बना हुआ नज़र आ जाएगा, ये सब वही है, नीचे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, ईमेल है और फ़ोन नंबर, जिन जिन चीज़ों पे हमने चेक लगाया था। इतना होने के बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर, और ये है सेव, यहाँ पे कीजिए आप सेव। तो ये फाइल एक्सेल में देखो यहाँ पे इम्पोर्ट टेबल एस, आप इस टेबल को किस फॉर्मेट में बाहर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल है और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सी एस वी एक फॉर्मेट होता है, XLSX ये भी कोई फॉर्मेट है, ये हमको तो ऊपर वाला चाहिए जिसमें एक्सेल हो। यहाँ से हम करेंगे सेव, जैसे सेव करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ये डाउनलोड नहीं हो रही अभी, यहाँ से हाँ ये डाउनलोड हो गई। तो यहाँ से जब आप इसको ओपन करेंगे, हमारी पहली वाली, हाँ ये आगे देखो, तो ये बड़ी जल्दी से हम कितने भी स्टूडेंट का डाटा कर सकते हैं। तो ये आज ही मुझको पता चली, तो मैंने सोचा जब उसको मैं बता दूंगा तो फिर बाद में मेरे जहन के अंदर भी रहेगी, तादेर फिर चीज़ें जहन से निकल जाती है।
और उसी के बेस पे मैंने ये डाटा बनाया। ठीक, उसके बाद अब मुझको चूंकि सम इफ्स समझाना था आज, और मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इनकी हेडिंग दे देता हूँ, ये क्या है एजुकेशन, है ना, यहाँ से मैं उसको बना देता हूँ इसकी हेडिंग, ये है एजुकेशन, और उसके बाद सिंगल है कि मैरिड है, ये हमको यहाँ पे दिखाना है। तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ और इन दोनों को भी, तो यहाँ से हमको ये एजुकेशन है, यहाँ मैरिड और सिंगल, तो हमको यहाँ पे निकालना है कि मैरिड कितने लोग हैं, और नहीं माफ कीजिएगा, सैलरी निकालना है हमको असल में, तो मैरिड की सैलरी कितनी है और सिंगल लोगों की सैलरी कितनी है, लेकिन साथ में वो बैचलर हो, डॉक्टर हो, और क्या है ये लोअर सेकेंडरी, मास्टर प्राइमरी और अपर सेकेंडरी, यानी ये उनकी तालीम है। हम इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन चूंकि डाटा फर्जी लिया गया है तो अभी फिलहाल इससे समझते हैं। तो सम इफ तो आपको पता लग गया कि हम जब एक कंडीशन हो, मिसाल के तौर पे यहां से हम इस वक्त सिंगल वाली कंडीशन को हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, यहां से मैं गए और यहां से हमने सिंगल वाली कंडीशन को हाइड कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है, हम ऐसे शख्स की सैलरी निकालना चाहते हैं कि जो क्या हो बेचलर हो। ठीक, मैरिट को भी हम इस वक्त मद्देनजर नहीं रखते, यहां से मैं इसको सैलरी कर देता हूं। हमको चाहिए सैलरी, किसकी चाहिए, बेचलर की, यहां पे चाहिए। अब ये जो बेचलर है, ये जो शख्स है, ये एक बार तो नहीं आएगा, देखो यहां पर भी है, उसके बाद नीचे जब हम आएंगे तो यहां पर भी है, और फिर नीचे हम जाएंगे तो और नीचे भी आना चाहिए वो, हाँ देखो यहां पर भी आ गया मजीद। तो ये रैंडम डाटा है, कई मरतबा ये शख्स आया है ना, देखो नीचे भी आया। तो हम चाहते हैं जहां जहां पर ये शख्स आया हो उसका, उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह हमको यहां पे दिखाए। तो फिर अब सम इफ्स यूज नहीं करेंगे नीचे वाला, है ना, ये ऊपर वाला यूज करेंगे हम, नीचे वाला तो ये मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है, मल्टीपल के लिए हमको तो अभी सिर्फ सिंगल चाहिए, तो हम ऊपर वाला यूज करेंगे। कैसे, हम यहाँ पे आ गए, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूँ और थोड़ा जूम भी कर देते हैं, ठीक, इज इक्वल टू सम इफ, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है, जब एक कंडीशन हो तो आप सम इफ यूज करेंगे, तो हम सम इफ और फॉर्मूले को एक्टिव करने के लिए हमने टैब दबाया। सबसे पहले सम इफ में आती है रेंज, आपको रेंज सेलेक्ट करना है कि कहाँ से उठाने वाले हैं आप, बेचुलर वगैरह ये कहाँ लिखा है, उसकी रेंज क्या है। तो हम, मैंने जैसे कहा था दो तरीके हैं, या तो आप मुकम्मल कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, कॉलम कहाँ है वो हमारा, ये एजुकेशन, ये वाला ई वाला कॉलम ऊपर आप सिलेक्ट कीजिए, मुकम्मल कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी आपको फार्मूला दिखाता है, ये फार्मूला बार में आपको फार्मूला दिखाता है, बाकी का फार्मूला आप यहाँ पर भी पूरा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ठीक, तो यहां चाहे तो हम यहां से सिलेक्ट कर ले, या फिर हम यहां से लेके सिलेक्ट करेंगे नीचे तक। तो कैसे करेंगे, यहां हम अपना कर्सर रखेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, क्योंकि हमारे पास 40 रिकॉर्ड है तो ड्रैग करने में टाइम भी लग सकता है, अगर ज्यादा रिकॉर्ड हो तो मसला भी होगा, तो हम कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से नीचे पहुंच जाएंगे। ये हम नीचे पहुंच गए, तो गोया के ये जो कॉलम था नीचे तक सिलेक्ट हो गया। लेकिन आसान और अच्छा तरीका ये है कि आप मुकम्मल कॉलम को सिलेक्ट कर लें यहाँ से। हाँ, अगर बीच में बहुत ज़्यादा कुछ और लिखा हो और काफ़ी नीचे है आपका टेबल, तो फिर वहाँ आप इसी तरीके को आजमाएं कि यहाँ पे आप रखो अपना कर्सर, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ये नीचे तक हो गया सिलेक्ट। अब हम चढ़ रहे हैं दोबारा फार्मूले में, यहाँ पे हम आए, ये तो ये हमारा क्या सिलेक्ट हुआ, रेंज सिलेक्ट हुई जहाँ पे हम ये नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कोमा, ये हमने लगाया कोमा। अब वो पूछ रहा है कि ये नाम आप कहाँ पे तलाश करेंगे, किसी सेल का एड्रेस दो, और सेल का एड्रेस नहीं है तो फिर यहाँ पे लिखो। तो अगर हम यहीं पर लिखना चाहते हैं तो फिर हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर शिफ्ट दबाकर इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर हम लिखेंगे बेचुलर या मास्टर, जो भी हमको चाहिए। और अगर हम लिखना नहीं चाहते यहाँ पर, तो हम उस सेल का एड्रेस दे देंगे जहाँ पर हम लिखना चाहते हैं, ये जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारा कॉलम उसी का है, तो इस सेल का एड्रेस देंगे हम यहाँ से, दिया हमने सेल का एड्रेस क्या है J4 कॉलम। उसके बाद
अब हमको देना है सम रेंज, भाई कहां से उठाना चाहते हैं आप टोटल इनकी, तो वो है हमारा सैलरी वाले कॉलम में। तो चाहे तो आप ऊपर से कॉलम को सिलेक्ट कर लें या यहां से लेकर नीचे तक। यहां मैंने कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ये हम चले गए नीचे तक। हम फिर आते हैं ऊपर यहां पर, ठीक। अब हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अभी हमने किसी भी कॉलम को, किसी भी सेल को, किसी भी रो को हमने फिक्स नहीं किया, ठीक। अभी हमने कहीं फिक्स नहीं किया और मैं कर रहा हूं एंटर। तो देखो ये बैचलर का निकल के आ गया सामने, ठीक। अब हम इसको नीचे नीचे लेके जाते हैं तो ये सब का आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गया डॉक्टर का, डॉक्टर एलक्यूएस में कुछ और लिखा ये, हाँ ये लोअर सेकेंडरी। इसका जीरो शायद इसलिए हो गया कि यहाँ पे स्पेलिंग बदल गई, वहाँ पे वो एल के साथ ही लिखा था और हमने सही करने की कोशिश की तो वो गलत हो गया। तो मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल जेड, ठीक। तो देखो इसको उसने कैप्चर कर लिया। इसका ये अमाउंट है, इसका ये अमाउंट है, इसका ये अमाउंट और इसका ये अमाउंट। अब थोड़ी देर के लिए हम चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। तो यहाँ मैं इसको पहले तो कन्वर्ट कर लेता हूँ करेंसी में। यहाँ जाके हम करेंसी का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, ये रहा करेंसी हो गई। अब हम ये ऊपर वाला जो है बैचलर, इसका हम कुछ चेक करते हैं। यहाँ पे है 5620, तो उसका कुल हो रहा है 39,014, है ना। तो यहाँ से मैं दस हज़ार कम कर रहा हूँ यहाँ से, 10,000 तो है नहीं यहाँ पे, तो 5,000 कम करते हैं। तो यहाँ पे 5,000 कम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो 5620 है उसको मैं सिर्फ 620 कर देता हूँ, 620 एंटर। तो देखो यहाँ पे 34 हो गया, ठीक। लोअर सेकेंडरी इसका यहाँ पे क्या है 39,755, है ना, 39,755 है। तो हम इसका यहाँ से ये 5576 में से हम 576 रखते हैं, 5,000 माइनस करते हैं, तो देखते हैं यहाँ बदलता है कि नहीं। यहाँ से हमने 576 नहीं बदला, यहाँ पर फिर से कंट्रोल जेड, बदलना तो चाहिए लेकिन नहीं बदला। हाँ देखो, चलो अच्छा हुआ नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? हमने किसी भी फॉर्मूले को फिक्स नहीं किया था, उसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर हमने लगाया था फॉर्मूला, तो यहां पे रेंज कहां से कहां तक थी, E2 से E41 तक, है ना। और ऐसी ही जो सम रेंज है उसकी रेंज कहां से थी, G2 से G41 तक, यहां पर तो ठीक था। जब हम दूसरे, हमने उसको जब नीचे ड्रैग किया, अब यहां मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, तो यहां पे देखो रेंज एक खाना नीचे आ गई, एक रो। अब रेंज यहां से आ गई, E2 के बजाय E3 हो गया, G2 के बजाय G3 हो गया, अच्छी बात। तीन नंबर वाले पे देखते हैं, यहाँ देखो E4 हो गया, G4 हो गया, यानी एक एक वो नीचे होता चला जा रहा है। उसके लिए फिर क्या करते हैं हम, जो पहला फार्मूला जब लगाते हैं तो वहीं पर जो रेंज होती है उसको हम करते हैं फिक्स, है ना, वहाँ पे हम उसको लॉक करते हैं। कैसे लॉक करेंगे, आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, जैसे डबल क्लिक करेंगे आप तो वो हो जाएगा सेलेक्ट, और अपने कीबोर्ड से F4 दबाती ही सबके आगे, यानी कॉलम और रो हर एक के आगे लग जाएगा डॉलर का साइन, जिससे वो हो जाएगा लॉक। उसको भी आपको लॉक करना है। और दूसरा उसको मैं एक तरफ लेता हूँ, हाँ ये हो गया लॉक। उसके बाद J4 को लॉक नहीं करना है, जो हमारा कराइट एरिया रहेगा, इसलिए कि हम तो चाहते हैं कि ये नीचे नीचे आए। J4 से बाद में J5 हो, J6 हो, J7 हो, है ना, 8, 9, ये हम चाहते हैं कि नीचे नीचे जाए। तो इसको लॉक करने से हमारा नुकसान होगा, हम J4 को लॉक नहीं कर सकते। हाँ हम रेंज को लॉक करेंगे इधर वाली, इसको हमने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं F4, तो ये दोनों रेंज हमने कर दी लॉक, ठीक। अब मैं यहाँ से इनको हटाता हूँ और अब हम कर रहे हैं यहाँ से इसको ड्रैग, हो गया। अब मैं नीचे वाले में से किसी का कुछ अमाउंट कम कर रहा हूँ, जैसे कि हमने इस वाले का 5576 वाले का, अब हम इसको कर लेंगे 576,
तो अब आप इस तरफ ध्यान रखें, यहाँ पर इस वक्त ये है 45,331, यहाँ हमने 5,000 माइनस किए। अब क्या होगा, जैसे मैं इंटर मार रहा हूँ तो ये यहाँ पे 40,331 बचा। ठीक, अगर मैं फॉर्मूले में आ गए हम, डबल क्लिक, अगर हम J4 को भी लॉक करते हैं तो क्या होगा नुकसान। मैं मिसाल के तौर पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं F4 दबा रहा हूँ, सबको लॉक किया हमने। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं इसको, क्राइटेरिया, वो हो गया फिक्स। सब जगह बेचलर का ही हमको रिकॉर्ड दिखाएगा, इसलिए हमने इसको फिक्स कर दिया। मिसाल के तौर पे ये देखो सब जगह रिकॉर्ड आएगा, इसलिए हम इसको फिक्स नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये एक एक कॉलम नीचे उतरता जाए, इसलिए हमको ये यहाँ से इसका फिक्सिंग हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, या तो आप डॉलर को डिलीट कर दें या डबल क्लिक करके उसको सेलेक्ट, और 3 मरतबा आपको F4 दबाना है, ये 1 मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, और एंटर। अब मैं इसको कर रहा हूँ नीचे ड्रैग, ये सबका अलग अलग डाटा हमारे सामने आ गया जी। ये तो वही हमारा परसों वाला सबक था, सम इफ वाला। अब हम सम इफ में इसी डाटा को देखेंगे, कैसे जो मैंने शुरू में डाटा बनाया था, मैं यहाँ से वो जो हमारा था हाइड किया हुआ वो बीच में है, इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके हम उसको कर लेंगे अनहाइड, राइट क्लिक, और ये रहा अनहाइड, तो ये आ गया सिंगल। और ये क्या था हमारा, मेरिट था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छा, हम क्या चाहते हैं अभी समझ में आ जाएगा कि यहां पे सैलरी आए, लेकिन दो शर्तें हैं हमारे पास, सिर्फ बेचलर की नहीं, ऐसी कि जो मैरिड हो, तो ये दो शर्तें हो गई ना। यहां पर सैलरी आए किसकी, बेचलर की, लेकिन कौन, जो सिंगल हो। तो दो शर्तों के साथ हम डाटा यहां पर भी निकालना चाहते हैं, यहां पर भी निकालना चाहते हैं, और मान लो यहां पर भी आप निकाल सकते हैं ऑक्यूपेशन। आप यहाँ पे लेके आ जाओ कि काम क्या करता है वो, और ड्राइवर है वो, इलेक्ट्रिक का काम करता है, या कारपेंटर है, जो भी है, अकाउंटेंट है, तो आप यहाँ पर और उसको ले सकते हैं। हम लेंगे, पहले दो को समझते हैं फिर तीसरा लेके आते हैं। यहाँ पे इसको सेव करता हूँ एक बार, जी यहाँ पे हम रखेंगे अपना कर्सर, और अब हम फार्मूला लिख रहे हैं इज इक्वल टू सम इफ्स, है ना, एस लगा दिया हमने, मल्टीपल हमको चाहिए ना, कंडीशन जब मल्टीपल हो तो आप एस का इजाफा करते हैं। एक्टिव किया हमने टैब से, सबसे पहले सम इफ्स में आता है सम रेंज, यानी हमको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो वो रेंज आपको सेलेक्ट करना है। तो हम चले गए, पहले हमने डाटा सेलेक्ट किया था, अब हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये भी अच्छा तरीका है। आप मुकम्मल कॉलम यहाँ से उठा लो, ये आ गया पूरा कॉलम जी, कॉलम जी यानी मुकम्मल कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो। अच्छा, चाहे तो आप इसको फिक्स कर लें, लेकिन चलो हमने चूंकि मुकम्मल सेलेक्ट किया है तो आप हमको इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप आदत डालेंगे अपने डाटा को फिक्स करने की तो वो मुफीद रहेगा आपके लिए। तो चलो हम इसको डबल क्लिक करके डॉलर का साइन लगा देते हैं, ये हो गया फिक्स हमारा। उसके बाद हम लगाते हैं कोमा, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी सबसे पहला कौन सी शर्त है आपकी, सैलरी लेना चाहते हैं आप, लेकिन किसकी, बेचलर की, है ना, ये शर्त है हमारी, वो एजुकेशन में देखना चाहते हैं हम, तो वो रेंज कहाँ है, क्राइटेरिया रेंज 1, ये यहाँ पर एजुकेशन वाली लाइन, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया ऊपर से, और यहाँ हम चलो इसी में आते हैं, हम यहाँ फार्मूला ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा ये ऊपर, ठीक। चलो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ सेलेक्ट, और मैंने अपने कीबोर्ड से दबाया F4, तो ये भी क्या हो गया, लॉक हो गया। हम वापस दोबारा अपने सेल में आ गए इधर, कोमा, अब ये आप कहाँ पे लिखेंगे, चाहे तो आप यहीं पे लिखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, या किसी सेल का एड्रेस दे दो जहाँ पे वो चीज़ पहले से लिखी हुई हो, या आप बाद में लिखेंगे उसको, तो चूंकि हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं या यहाँ पे पहले से लिखी हुई, तो हम इस सेल का एड्रेस देंगे, ये मैंने सेल का एड्रेस यहाँ से दिया, ठीक।
सेल का एड्रेस, अभी हम इसको लॉक नहीं करते हैं, ठीक। मैं अभी बताता हूँ कि इसके अंदर हम किसको लॉक करेंगे और किसको छोड़ेंगे, ठीक। एक जो सेल बनता है, जैसा कि आपको पता है, वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कॉलम और रो। तो जे ये कॉलम है, फोर रो है, तो हम अभी दोनों को खुला छोड़ रहे हैं, आज़ाद लॉक नहीं करते। तो ये हमने दे दिया उसको क्राइटेरिया, यहाँ से हम लगाएंगे कोमा। ये एक चीज़, एक शर्त मुकम्मल हो गई। दूसरी शर्त क्या चाहिए हमको, बैचलर की हमको सैलरी चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, वो मैरिड होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम क्राइटेरिया रेंज टू, अब मैरिड और सिंगल कहाँ पे मिलेगा आपको लिखा हुआ, चलो हम चलते हैं, ये रेंज यहाँ पे है, ये मैरिटियल, ये एल आता है कि पता नहीं, स्टेट स्टेटस, यहाँ से हम इस कॉलम को कर लेंगे सेलेक्ट, ये हो गया सेलेक्ट, इसको भी कर लेंगे हम सेलेक्ट करके फिक्स, F4 दबा के, ये हो गया फिक्स। यहाँ पे देंगे कोमा, कोमा देने के बाद अब पूछ रहा है हमसे क्राइटेरिया टू, यानी इस चीज को आप कहाँ पे लिखेंगे। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे तो बेचुलर लिखा है, फिर मैरिट कहाँ लिखेंगे हम, जिसकी बेस में वो तलाश करें, चाहे तो आप इन्वर्टेड कोमा देके यहीं पे लिख लो मैरिड, या जिस कॉलम में आप लिखेंगे या लिखा हुआ है उसका एड्रेस दे दो। तो हमने कहा लिखा है मैरिड, ये यहाँ पर लिखा है, हम इसका एड्रेस देंगे उसको, तो यहाँ पर जो लिखा है उसकी सैलरी इसके बेस पे आ जाए। दो शर्तें हो गई कि बैचलर हो, मैरिड हो, उनकी सैलरी हमको यहाँ पे चाहिए। इसको भी हम लॉक नहीं कर रहे अभी, है ना, मैरिड वाले को। और हमने दबाया कोमा, कोमा दबाया, उसके बाद क्राइटेरिया कहाँ है इसका, क्राइटेरिया नहीं, माफ कीजिएगा, इसको क्राइटेरिया देने के बाद ये दो चीज़ें पूरी हो गई, तीसरी शर्त तो नहीं, अभी हमारे पास दो ही शर्तें हैं, क्या, एक तो एजुकेशन हमने शर्त रखी और दूसरा मैरिड है कि अनमैरिड है। ये दो शर्तों के बेस पे हम चाहते हैं सैलरी का निकलना, तो दो शर्तें हो गई। तीन शर्तें अगर होती तो हम तीसरा आगे बढ़ते, क्राइटेरिया रेंज थ्री में जाते, यहाँ पर इतना काफ़ी है। अब मैं कर रहा हूँ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो क्या हुआ, ये बैचलर और मैरिट का उसने पूरा निकाल के हमको ला के दे दिया यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे खींच रहा हूँ, अब ध्यान रखें, है ना, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया और मैं नीचे ले जा रहा हूँ इसको, तो सब जगह जीरो आ गया। हालांकि आना चाहिए था सब, हर एक का डिजिट आना चाहिए था, डॉक्टर का, लोअर का, मास्टर लोअर सेकेंडरी वाले का, मास्टर का, प्राइमरी वाले का, अपर सेकेंडरी वाले का, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया, हम डबल क्लिक करके उसको एडिट मोड में जाके चेक करते हैं। देखो मैंने दो चीज़ों को लॉक नहीं किया था, है ना, दो चीज़ें क्या थी, एक हमारा क्राइटेरिया पहले वाला और क्राइटेरिया दूसरे वाला, उसको हमने लॉक नहीं किया था, हमने सिर्फ लॉक किया है रेंज को। चेक करते हैं पहले वाले पे, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पता चलेगा कि जो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो है J4 इस तरफ, है ना, ये हमारा क्राइटेरिया 1, J4 ऊपर से J है और इधर से 4 है। जो दूसरा हमारा क्राइटेरिया है वो है K3। K क्या है, ये है K कॉलम, और 3 क्या है, ये है 3 रो। ओके, एंटर। तो क्या है यहां पर J4 K3, नीचे आके देखते हैं हम यहां पे, तो यहां पे J5 है, अच्छी बात है, J5 तो हमको चाहिए, इसलिए कि यहां पे था J4, तो वहां पे बैचलर की आना चाहिए था, यहां पे डॉक्टर की आना चाहिए था, तो ये खुद ब खुद नीचे आ गया, अच्छी बात है, हमने इसको लॉक करना भी नहीं था, इसलिए कि हम चाहते थे कि वो नीचे नीचे सरके, तो ये अच्छी बात है, इसको हमने लॉक नहीं किया। लेकिन K3 से ये हो गया K4, है ना, हम चाहते थे कि मेरिट का स्टेटस आए ये, और ये सड़क के नीचे आ गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, ये मेरिट वाले को करना पड़ेगा लॉक। शायद आप समझ रहे होंगे कि लॉक कब करना पड़ेगा और कब नहीं करना पड़ेगा, तो ये हम नीचे नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि K3 के अंदर वो लॉक रहे, नीचे ना आए। तो फिर मैं क्या करूँगा, हम इसको यहाँ जाके पहले वाले फार्मूले में जाके डबल क्लिक और K3 को हम करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ से हम कर लेंगे उसको F4, ये हो गया लॉक, एंटर। अब लेते हैं नीचे, अभी ध्यान रखिए एक चीज़ बाकी है अभी, और मैंने इसको ये नीचे, तो ये देखो सबका आ गया, ये मास्टर का क्यों नहीं आया, लेस
शायद उसमें होगा ही नहीं मेरे ख्याल से, कि मास्टर और मैरिड, मास्टर हो और मैरिड हो, ये मास्टर सिंगल है यहाँ पर भी, और ये इत्तेफाक हो सकता है ऐसा, ये मास्टर यहाँ पर भी सिंगल है, हाँ मैरिड मास्टर का कोई डाटा नहीं है इसलिए वहाँ पे जीरो आया, मास्टर सिंगल यहाँ पर भी सिंगल है, सही है, कोई मास्टर मैरिड है ही नहीं तो उसका डाटा हमारे पास आया भी नहीं। अब इसी डाटा को मैं ड्रैग करता हूँ देखो दाई तरफ, यानी मैं चाहता हूँ कि सिंगल का भी हमको डाटा नजर आए, कैसे सिंगल, कि इसको तो हमने लॉक करना नहीं है, क्यों इस वाले को हमने लॉक क्यों नहीं किया, हम चाहते कि नीचे नीचे आता जाए, अच्छी बात हमने लॉक किसको किया मैरिड को, तो अब इसको पकड़ के मैं यहाँ से इसको इस तरफ लेता हूँ, ये आ गया जीरो, हालांकि यहाँ से बेचुलर आना चाहिए था, यहाँ पे सिंगल आना चाहिए था, और इसको अगर हम नीचे लेते हैं तो सब जगह जीरो जीरो आएगा। अब देखो क्या गड़बड़ हुई वापस, हमने लॉक किया था, मैं इसको कर रहा हूं डबल क्लिक, अब जो हमारा K4 था, माफ कीजिएगा, हाँ इसको हमने लॉक नहीं किया था K4 को, J4 है हमारा है, इसको हमने लॉक नहीं किया था बरोबर, यहां आने के बाद जो हमारा J4 था ये वाला J4, ये हमारा कौन सा कॉलम, कौन सा सेल है, ये वाला, ये है J और ये है 4 जो एजुकेशन वाला है, इसको हमने लॉक नहीं किया था, लॉक नहीं करने से क्या हुआ, हम चाहते थे कि वो नीचे नीचे हटता जाए, लेकिन जब यहां से फार्मूला हमने उसके दाई तरफ ड्रैग किया इस तरफ, तो चूंकि वो लॉक नहीं था अभी तक, हम नीचे के फायदे के वास्ते हमने लॉक नहीं की थी, लेकिन जब हमने उसको इस तरफ हटाए तो लॉक न होने की वजह से सेल उसने छोड़ दिया और जे फोर से वो चला गया के फोर में, उसने कॉलम बदल दिया, कैसे देखो यहां पे आके हम चेक कर रहे हैं इस वाले खाने में, वो हो गया के फोर, जो जे फोर था तो उसने यहां से, अब चूंकि हमने उसको इस तरफ ड्रैग किया तो वो कॉलम वो बदल गया, J4 से K4 हो गया, एक नुकसान तो ये हुआ, और दूसरा इसको हमने पूरा लॉक किया था, किसको मैरिड को, पूरा लॉक करने से क्या हुआ, अब ये सिंगल का डाटा नहीं उठा रहा, इसलिए कि यहाँ तो मैरिड लॉक है, यहाँ पे सिंगल होना चाहिए, तो फिर अब क्या करेंगे हम, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा हम पहले फार्मूले में आते हैं, फिर समझते हैं इसको, J4 हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम है सिर्फ ये लॉक रहे, कॉलम वो क्या है J, और 4 क्या है रो, भाई रो हमारी लॉक ना हो, जब हम इस फॉर्मूले को इस तरफ ड्रैग करें तो वो रो के अंदर बदलता जाए, रो छोड़ दे अगली रो में चला जाए, अगली इसमें चला जाए, तो हम कॉलम फिक्स करेंगे रो फिक्स नहीं करेंगे उसकी, है ना, तो हम करते हैं जे को फिक्स और फोर को हम छोड़ देते हैं, हम चाहते हैं कि जे अपनी जगह पर बरकरार रहे, फोर के बजाय वो हो जाए नहीं, हम 4 को फिक्स करेंगे J के बजाय, हम चाहते हैं J के बजाय K हो जाए लेकिन 4 हमारा फिक्स रहे, तो क्या करेंगे उसके लिए, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे एक बार दो बार, तो देखो अब क्या हुआ, ये हो गया 4 हमारा लॉक, जिससे पहले डॉलर हो वो होता है लॉक, अभी हमारा 4 वाला लॉक हुआ है, मैं कर रहा हूँ उसको एंटर, चेक करते हैं, यहाँ से मैं इस तरफ आ गया, अभी भी नहीं आया, क्यों यहाँ आया है वो K नहीं, हमको J को ही लॉक करना पड़ेगा बजाय रो के, खैर यहाँ पे हम आए डबल क्लिक किया, ये हो गया हमारा J लॉक, और 4 को हमने आज़ाद छोड़ दिया है ना, J को लॉक किया, अब देखते हैं ये इस तरफ लेके इसको, यहाँ पे हमने लिया तो अब देखो डाटा आ गया, लेकिन ये डाटा किसका आया, ये मेरिट का आया, ये तो उसने उठा लिया यहाँ से इस तरफ ड्रैग करने के बाद, लेकिन मेरिट जो हमने मुकम्मल लॉक किया था वो लॉक हट नहीं पाया, तो हमको क्या करना है, मेरिट से मुकम्मल लॉक को हटाना है और हम चाहते हैं कि वो इस तरफ जाए, तो उसके लिए भी हमको सेम ऐसा ही करना पड़ेगा, हम दोबारा यहाँ पर आ गए पहले वाले फार्मूले पे, और यहाँ से हम जो 3 से पहले जो डॉलर का साइन है उसको या तो डिलीट कर लेंगे या डबल क्लिक करके 1 2 हाँ ये, तो देखो के हमारा लॉक हो गया, अलबत्ता 3 हमारा लॉक नहीं, ठीक एंटर, अब मैं यहां से इसको कर रहा हूं उस तरफ ड्रैग, तो इसने अभी भी
इसी को लिया है, तो शायद यहाँ पे हमको थ्री वाले को लॉक करना पड़ेगा। थ्री पे आए हम, F4, 1, 2, हाँ ये थ्री वाला लॉक हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर, हमने उस वाले फॉर्मूले काम किया, F4, 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 एंटर। अब मैं इसको कर रहा हूँ इधर ड्रैग जी। अब आ गया सिंगल वाले का डाटा। अब मैं इसको डबल क्लिक करके चेक करता हूँ कि सिंगल पे आया कि नहीं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया L3, ठीक। उसकी रो ने बदली, जो रो है उसकी वो थ्री के थ्री रही, अलबत्ता कॉलम उसका बदल गया है ना, क्यों, हमने रो को लॉक किया, जो थ्री नंबर की रो है वो हमने लॉक की, के डाटा किधर भी जाए अलबत्ता जो थ्री नंबर की रो है उससे ना हटे, आगे पीछे ना जाए, कॉलम अलबत्ता बदल जाए, तो के से वो हो गया L। अब यहाँ से हम इसको नीचे भी ले सकते हैं यहाँ तक, और यहाँ से हम इसको इधर भी ले सकते हैं। तो ये सबका डाटा निकल के कैसे आ गया कि यहाँ से बैचलर का मेरिट का डाटा ये है, सिंगल का डाटा ये है, सैलरी। तो देखो मास्टर्स आपकी मेरिट के अंदर कोई सैलरी दिखा रहा नहीं था, लेकिन सिंगल के अंदर उनकी सैलरी उसने बता दिया 10,679 रुपये। तो ये हमने कैसे किया, हम या तो फिर हमको हर जगह अलग अलग लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, या फिर ये है कि आप ये क्या बोलते हैं इसको लॉक करना समझ जाएं बार बार इस डाटे को प्रैक्टिस करके, तो फिर हम एक ही मर्तबा में फार्मूला डाल के सारी जगह हम ड्रैग कर सकते हैं। अब एक मर्तबा में सबको हटा के एक मर्तबा हम फिर से यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला। अब मैं कर रहा हूँ थोड़ा जूम, यहाँ पे हम चले गए इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन सम रेंज। सम रेंज हमारी कहाँ है, सैलरी के अंदर, ये हमने दे दिया यहाँ से जी वाला कॉलम। हम आ गए दोबारा फॉर्मूले में, उसके बाद हम इसको कर रहे हैं फिक्स, सेलेक्ट किया हमने F4 कोमा, है ना, कोमा दिया यहाँ पर, उसके बाद क्रैक एरिया रेंज 1, यानी एजुकेशन कहाँ पे लिखा है आपकी सारी चीज़ें, तो हम आए उसके रेंज में, यहाँ से हमने उसके रेंज को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि ये नीचे नीचे तो आए, अलबत्ता आगे ना जाए, है ना, तो हमको इसका रो फिक्स नहीं करना है बल्कि सिर्फ कॉलम फिक्स करना है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक मर्तबा दो मर्तबा, तो ये हो गया 1, 2, ये क्राइटेरिया रेंज 1 है हमारी, माफ कीजिएगा, हम समझ रहे थे कि ये रेंज आ गई क्राइटेरिया वाली, अभी तो हमने रेंज सिलेक्ट किया ना, तो इसको मुकम्मल लॉक करना पड़ेगा, इसीलिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये मुकम्मल लॉक हो गई, अच्छी बात। यहाँ पे हम देते हैं कोमा और अब हम क्राइटेरिया चुनेंगे कि कहाँ पे आप ये लिखना चाहते हैं, किसी सेल का एड्रेस देंगे, तो हमने इस सेल का एड्रेस दिया यहाँ पर, ये है J4, तो हम चाहते हैं कि J लॉक रहे, अलबत्ता 4 जो रो है वो लॉक ना हो बल्कि 4 से 5 हो जाए जब हम उसको इस तरफ ड्रैग करेंगे, तो हम जे को करेंगे लॉक। कैसे, डबल क्लिक किया हमने, F4 1, F4 2 और F4 3 मर्तबा करने से आपका कॉलम लॉक होगा, जो हमारा जे कॉलम है वो हुआ है लॉक, अलबत्ता जो रो है वो लॉक नहीं है, ये रो से हमारी रो जब हम नीचे खींचेंगे तो कॉलम तो जे रहेगा, अलबत्ता रो 4 से हो जाएगी 5, 5 के बाद जब नीचे खींचेंगे तो हो जाएगी 6, 6 से हो जाएगी 7, क्यों, हमने रो को लॉक नहीं किया, हमने लॉक किया सिर्फ कॉलम को, तो वो जे कॉलम के अंदर रहेगा, अलबत्ता नीचे नीचे हटता जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लगा रहे हैं कोमा, ये हमारी एक शर्त मुकम्मल हो गई। शर्त नंबर 2 क्या है, क्रैक एरिया रेंज 2, तो यहाँ से हम क्रैक एरिया रेंज देते हैं। दूसरा क्या है हमारा, मैरिड और सिंगल वाला, तो यहाँ पे आ गए हम और इसको हमने दे दिया यहाँ से ये रेंज दे दिया हमने, यहाँ पे हम आए इसको कर रहे हैं हम फिक्स, डॉलर का साइन लगा के ये हो गया, और यहाँ पे हम देंगे कोमा। अब क्रैक एरिया 2 कहाँ है, कहाँ पे लिखना लिखा है, लिखेंगे आप मैरिड और सिंगल, ये यहाँ पे लिखा है, जिस सेल में आप लिखेंगे वहाँ का आपको एड्रेस देना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है ये मैरिड, इसको हमने सेलेक्ट किया, लेकिन बाद में इसको हम इस तरफ ड्रैग करेंगे जिससे क्या बदलेगा, अभी ये के कॉलम में है, बाद में एल कॉलम में चला जाएगा, तो हम चाहते हैं कि कॉलम फिक्स ना हो, अलबत्ता रो उसकी फिक्स हो, 3 रो है तो हमेशा 3 रहे, वो 3 से 4 ना हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉलम को खुला छोड़ेंगे और रो को फिक्स करेंगे,
डबल क्लिक किया हमने, एक मरतबा, दो मरतबा, दो मरतबा करने से देखो थ्री वाला हो गया फिक्स, जिससे पहले डॉलर का साइन वो होता है फिक्स, और के से पहले कोई डॉलर का साइन नहीं, तो हमारा जो कॉलम है वो फिक्स नहीं हुआ। यहाँ पे आके हम करते हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर, बस अब आपको सिर्फ ड्रैग करना है। कैसे, यहाँ पे आप पकड़ो इसको, इसको यहाँ नीचे ले आओ और यहाँ से इसको ले आओ इस तरफ जी। तो फॉर्मूला आपने लगाया एक मरतबा, आपको सिर्फ ड्रैग करना है। अगर आप लॉक ना करते तो ये फिर आपको हर खाने में अलग अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये दो शर्तों पे हमने काम किया। मैं चाहता था कि आज और आगे शर्तें बताऊं, ये जो ऑक्यूपेशन है इसको भी हम शामिल करें इसके हिसाब से भी, लेकिन अब टाइम भी हो गया।